हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्कल्पिंग। स्कल्पिंग हमने देखा भाई, यहाँ पे मैं चीज़ों को ऐसे देख पा रहा हूँ कि मुझे शेप्स को कैसे देना है। देन यहाँ पे मैंने देखा दो बहुत चीज़ें हैं जिसको मैं मैनेज कर रहा हूँ। जैसे तो छोटे छोटे कट हैं जो दिख रहा है, आप उसको आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर लाइनें देखो तो लाइनें कुछ ऐसी भी हैं जहाँ पर मैंने देखा सिमेट्रिकली मैंने ब्रेक थोड़ा सा अलग से किया है। जैसे आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट्स हैं, यहाँ पर सिमेट्री ब्रेक चाहिए, क्योंकि अगर आप सिमेट्रिकल काम करोगे तो वहाँ पर चाहिए थोड़ा सा आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जैसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं थोड़ा सा लाइक मैनेज कर सकता हूँ। आपको अगर ऐसे कुछ लाइनें चाहिए तो आपको यूज़ करना होगा डैम डैम स्टैंडर्ड्स। आप यहाँ देख रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें देखेंगे तो आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ओके, यहाँ से मैं जस्ट काइंड ऑफ यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दिया यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ से मैंने एक्स ऑफ कर दिया, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो बाद में ऐसा लगेगा कि यार ये हुआ कैसे। आप समझ पा रहे हो आप यहाँ पे, तो आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दे सकते हो। वुड स्कल्पिंग के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि आप शेप्स आप कैसे लेके जा रहे हैं यहाँ पे। कुछ छोटे बड़ी और पतली सी लाइन आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है कि देखो मैं जब चीज़ों को बना रहा हूँ तो इसमें मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो कुछ मैंने चीज़ों को अलग से ऐड ऑन किया, तो एक्सप्रेस करके मैं देखो यहाँ पे देख रही है लाइन को ऐसे, ठीक है। आपको अगर लगे कि लाइनें मैं ऐसा क्यों दे रहा हूँ, तो बीच वाली लाइनें ज़्यादा ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा ये लाइनें में थोड़ा सा ऐसे भी मैं मैनेज करके दे सकता हूँ कि भाई बस यहाँ पे शेप्स किस टाइप से आ रहे हैं और कैसे मैं मैनेज करके देने वाला हूँ वहाँ पे। ओके, जस्ट आपको लाइक कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइन आपको स्टाइलाइज में चाहिए, बहुत एग्जैक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ तो क्या मैंने दिया, तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक रफ सी लाइन आपको यहाँ पे देना है, कोशिश करना ये थोड़ा सा अंदर यहाँ पे थोड़ा सा इरेगुलर थोड़ा सा शेप्स ऐसा है तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे। कनेक्टिविटी नहीं हो, मतलब ऐसा ना हो कि मैंने यहाँ से खींच के एक सीधी लाइन नहीं जा रही होती है, ठीक है। तो उसको आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने किया था, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे सिमेट्रिकल है ना, यहाँ पे सिमेट्रिकल को ये वाला मेरे पास पीछे नहीं दिख रहा, तो सिमेट्रिकल के लिए मैं आप क्या कर सकता हूँ, मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे दिख रहा है इस वाली लाइन को, अगर मैंने जस्ट होता है कि आपका कुछ नहीं दिख रहा तो आप क्या देख के काम करो, तो अगर मैंने एक्स ऑफ कर दिया यहाँ पे, देखो लाइनें कैसे हैं ध्यान से देखना। तो ये जो शेप्स मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है, ये पार्ट ऐसे दिख रहा है, एक लाइन को मैंने यहाँ यहाँ से ऐसे दे रहा हूँ यहाँ पे ऐड ऑन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक लाइन को मैंने ऐसे दिया, ओके ये मैं ऐसा कुछ करके दे सकता हूँ यहाँ पे, ये ऐसा कुछ करके दे दूँ, तो मैं इसी लाइनें कुछ बढ़िया से देखेंगे यहाँ पे। छोटी छोटी ये माइनर सी लाइन है, मतलब जिसे बोलते हैं कि एक बेसिक लाइन है जिसको हमने यहाँ पे दे रखा है। फिर मैं छोटे छोटे लाइन लाइट हैंड्स आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। किसी को लगे कि मुझे यहाँ पे कनेक्टिविटी दें तो आप कनेक्टिविटी दे दो, ये छोटे छोटे जो चीज़ें ना ये आप यहाँ पे दे सकते हो। मैं यहाँ पे मेजरली लाइन यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेजर लाइन यहाँ पे देख रहे ये जस्ट काइंड ऑफ, ठीक है, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो जब मुझे लगे ना यहाँ पे बस थोड़ा सा हॉच पॉच हो रहा था, आप यहाँ पे जैसे एक्स ऑन किया ना, यहाँ पे स्विफ्ट एंड स्मूथ से ब्लेंड कर दो आप यहाँ पे, ब्लेंड भी कर सकता है, देखा कहीं पे लगे तो आप थोड़ा सा ब्लेंड करके मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। कहीं लगे ज़्यादा हो गया क्योंकि स्टाइलिश में थोड़ा सा कम रहता है, तो हम लोगों को लगे थोड़ा ज़्यादा हो तो आप थोड़ा सा ब्लेंड कर दोगे तो मैनेज हो जाएगा यहाँ पे। देखो स्विफ्ट एंड स्मूथ ये देखो यहाँ पर ऑडेट, यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके दे सकते हैं आप यहाँ पे। फिर यहाँ पर मैंने दिया, अभी यहाँ पर लाइनें देखी, ये लाइनें ऐसे कुछ आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर लाइनें कैसी यहाँ पे, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैं उस यहाँ पे कैसा एक्स यहाँ पे देख रही है ये काइंड ऑफ, ये मैं ऐसे करके यहाँ पे मैं थोड़ा सा दे सकता हूँ यहाँ पे भाई, मेरा शेप्स ऐसे कुछ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये लाइक लाइटली आप यहाँ पे जो होगा थोड़ा सा मैनेज करोगे तो देखिएगा आप यहाँ पे, गॉट इट, ऐसे करके आप दे सकते हो भाई, ये मैं बस ऐसा कैसे ये देखो शेप दिख रहा है। स्कल्पटिंग में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में जाके हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है जस्ट काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ पे हल्के फुल्के कुछ छोटी छोटी लाइन है। वुड की बेसिक स्कल्पटिंग आपको अगर पता है तो मैं चीज़ों को मैनेज करके दे सकता हूँ आप यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये काइंड ऑफ। फिर मैं देखो बीच बीच में लाइनें, फिर छोटी छोटी लाइनें मैं मुझे सब्सटेंस में भी मिल जाएगा क्या यहाँ पे, मैं तो लाइन यहाँ पे हल्का सा साइज छोटा करके यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे दिया भाई, मेरे पास शेप्स ऐसा है तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी विजुअल नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँ तो ऐड ऑन कर सकता हूँ देखो, कुछ इधर से अगर मैं ऐड ऑन करके दूँ तो मैं शेप्स कैसे जा रहा है, ठीक है। एक्स ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे और देन मैं साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, मैं तो बहुत ये तो बहुत अपने एंड से मैं चीज़ों को यहाँ पे मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे, गॉट इट, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया तो उसमें इधर लाइन को मैं कनेक्टेड कर सकता हूँ यहाँ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं सर हम लोग कैसे करें, तो बहुत जिस इन चीज़ को तो अगर ऐड ऑन करोगे ना तो आपको आइडिया मिलेगा, तो ऐसा जस्ट काइंड ऑफ आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके देखो तो बेटर देखेगा। ये जितना मैंने आपको बताया ये सब आपको कहाँ मिलने वाला है, सब्सटेंस के अंदर आपको ये बेसिक मिल जाएगा आपको वहाँ पे, जो मैं लाइन ये मेजर मेजर लाइन है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया कि मेरे पास यहाँ पे शेप्स है तो मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे बहुत लाइटली यहाँ पे नज़र आ रहा है,
ठीक है, यहाँ पे शेप्स को अगर यहाँ पे देखो, जब लगे ना ये शेप ऐसे करके आ रहा है यहाँ पे, तो आप जब शेप्स को ऐसे करके आप ड्रॉ करोगे ना यहाँ पे, तो आप भी चीज़ें आपको सेम आ जाएंगे यहाँ पे, छोटी बड़ी लाइन आप यहाँ से भी मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे। तो फोकस कर दो आपका सेम पे, आप देखो दूर से आपका डिटेलिंग दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये रहा, हमने यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखो मेरे पास यहाँ पे देखो मेजर मेजर लाइन है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर, देखो दूर से इतना ही देखना है कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा वो डिस्कल्पिंग है कि नहीं, देखना है इतना ही पार्ट आपको देखेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे सब मैं स्कल्प किया, स्टाइलिजिक बेसिक सा पार्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अभी आते हैं बीच में, सब टूल पे गया, देन मैं शिफ्ट एंड क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी लाइन को थोड़ा तो समझना, ठीक है। लाइन में कैसा है, पहले तो ये देखो ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मेरे सब काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे, आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका देखो पीछे स्कल्पिंग आ रहा है कि नहीं यहाँ पे, जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, पीछे नहीं आ रहा तो ठीक है, इसको क्या पीछे करना तो आप कर ले सकते हो आप यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं शेप्स को यहाँ पे क्या लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कैसे ही शेप यहाँ पे गया, तो मैं यहाँ से अभी यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे साइज बड़ा करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, ये लाइन यहाँ पे, यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे जाए, तो मैं ये पार्ट ये ऐसे करके यहाँ पे देखा, ये काइंड ऑफ ये मैं ऐसे दे सकता हूँ यहाँ पे, मेक श्योर ध्यान देना, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है। अभी देखो यहाँ पे मैं चीज़ों का कैसे मैनेज कर रहा हूँ पे, अगर चाहो तो आप ऐसे भी करके आप मैनेज करना चाहते हो, लगे कि मेरे पास अगर मुझे ऐसा कुछ समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप ऐसे करके आप रो कर लो, क्योंकि मैं बस एंगल तो मैं यहाँ पे चेंज कर ही सकता हूँ यहाँ पे। दूसरा पार्ट यहाँ पे आता है लाइट, लाइट को पकड़ लो आप यहाँ पे, लाइट आ रहा है, दिखना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो जो मुझे अभी थोड़ा सा दिख नहीं है, तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ से अगर मैं मैनेज करता हूँ, मैं बस ये एंगल मैंने ये जिस सेम ये एंगल लेने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसे पकड़ता हूँ, ये लाइन में बस ऐसे करके ऐसे जा रही है, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तो और देख ले, जस्ट मैं अंडू ये स्टेप लेता हूँ, देखो इस पर देखना अभी ये स्टेप है, मैं बस यहाँ पे यहाँ से मैं इसको देखना ये स्टेप मैंने ये देखो गॉट इट। अब इसको पकड़ता हूँ, ये लाइन है मैं बस यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ से आराम से करने की कोशिश करना, कोई जल्दीबाजी नहीं करना, ऐसे बेसिक बेसिक तो कुछ कुछ लाइनों को मैच कर दोगे तो भी काम चल जाएगा यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे मैं तो ऐसा शेप्स कैसे लेके जा रहा हूँ पे, आ रहे हैं यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से एक लाइन यहाँ पे जा रहा है जो मेरे पास दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे करूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये लाइनें दिख रही हैं, ये काइंड ऑफ यहाँ से ब्रॉड है, यहाँ पास में आ रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ से मैंने एक और लाइन दिया यहाँ पे, आपको थोड़ा आइडिया मिल लगा यहाँ पे, देखो देखिए यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ दिया, कुछ छोटा कुछ बड़ा, देखो यहाँ पे देखा, अब यहाँ से मैं एक और लाइन दे रहा हूँ यहाँ से, ये देखो ये पार्ट में बस यहाँ से आइडिया मिल लगी। अगर मैं यहाँ पे दूँ तो मैं यहाँ पे सेफ से यहाँ पे जा रहा है, तो एक बार मैं यहाँ से ऐसे करके भी मैं दूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ें निकल के आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, देखो ये जो मैंने किया ना, इसके बाद में एक और लाइन भी है यहाँ पे, देखो अब ये आपको समझना पड़ेगा आपको ऐसे कैसे लाइन जा रही है यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करना, ये इसको क्रॉस हो गया ना भाई, ये कंट्रोल जेड करना पे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और मैनेज करता हूँ, थोड़ा सा पीछे कर देखो यहाँ पे। अभी यहाँ से इसको समझा, देखो ये लाइनें दिख रही है अभी, ये लाइन यहाँ से इसके बीच में एक और लाइन गई यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने कर दिया, इसके बगल में एक और लाइन है जो यहाँ से मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ऐसे देखो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट से लाइन आपको यहाँ पे दिखेगा, तो आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। फिर ये जो लाइन है इसके साथ देखो यहाँ पे कुछ ये लाइन ऊपर गई यहाँ पे, इसका तो ये भी लाइन ऐसे कुछ दिखेगा यहाँ पे। तो बेसिक बेसिक आप एक बार ड्रॉ करके देखो आप, ठीक है। जस्ट आप यहाँ से आप ड्रॉ करो तो आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने किया तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, देखो आप यहाँ पे ऐसे ऐसे ड्रॉ करके लाऊँ तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये आप ऐसे ड्रॉ करके दे सकते हो आप यहाँ पे सिंपल सा पार्ट। आप यहाँ से भी जो आप स्कल्पिंग करते हो पीछे की तरफ प्रेशर ज़्यादा डालो, यहाँ पे कम करो, ठीक है। ये पार्ट अगर मैं यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है यहाँ पे, ध्यान देने का, ठीक है। ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे दिया, मेरे पास यहाँ पे शेप्स ऐसे मतलब यहाँ से मैं तो ऐसे शेप्स को ऐसे भी दे के दे सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी आइडिया मिल रहा है मैं यहाँ पे शेप्स को दूँ, मुझे यहाँ पे मैनेज करना है, तो मैं कैसे मैं मैनेज कर पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट अगर हम लोगों ने यहाँ पे दिया, अभी मैं स्टेप्स यहाँ पे दिख रहा है, ये अभी मैं थोड़ा सा हाईलाइटेड कर दूँ यहाँ पे। ये मैंने कर दिया यहाँ पे, मैं स्टेप्स को यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, मेरे पे स्टेप्स कैसे जा रहा है यहाँ पे। देन यहाँ से मैं थोड़ा सा ये काइंड ऑफ देखा जाए तो लाइन हम लोग थोड़ा सा ऐसे
मैनेज करके दे सकता हूँ। ये जस्ट मुझे ड्रॉ कर देना है पे, दिख रहा है। इसके साथ आप थोड़ा सा मैनेज कर दो आप यहाँ पे, तो वह चीज़ों को ऐसे फुलफिल कर दो आप यहाँ पे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा अभी मुझे सेव्स कैसे देना है। अभी देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने किया वो बहुत ही प्रोमिनेंट नहीं किया है। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक और जैसे होता है रफ़ जैसे किया हमने, तो रफ़ जैसे ये मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे ठीक है, अभी ये काइंड ऑफ ऐसे मैं मैनेज कर दूंगा। लाइटिंग को थोड़ा सा मैनेज कर दूंगा तो आपको देखिएगा यहाँ पे। आप इसको फिर एक बार रिफाइन कर दो, थोड़ा सा फिनिशिंग दे दो, तो आपको आइडिया मिलेगा भाई मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करना, तो मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। एक बार मैं ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं है देखो, ठीक है ना। अभी काइंड ऑफ मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया कि आप थोड़ा सा अगर काम करें तो आपका यहाँ पे चीज़ें भी थोड़ा सा बेटर दिखे आपको यहाँ पे। गॉट इट, ये देखो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा सेव्स के साथ आप ऐसे भी थोड़ा सा मैनेज करके दोगे। तो मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसे कनेक्टेड कर पा रहा हूँ ये समझना क्या। नहीं देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे मैंने कुछ भी काम किया, देखो अपने वैसे यहाँ पे आगे दूसरा पार्ट थोड़ा सा फिनिशिंग का काम करना, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया बिग ब्रैकेट के सेफ्ट एंड स्मूथ ही, थोड़ा सा ब्लेंड कर देना आप यहाँ पे। ब्लेंड कर दोगे तो थोड़ा बेटर देखो, जो थोड़ा सा होता है ना हम लोग जब स्केच करते हो तो थोड़ा सा जो अनवॉन्टेड जो हम लोग स्मूथ कर देते हैं रब कर देते हैं तो बेटर हो जाता है, वैसे ही रब वाला काम यहाँ पे हो जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा तो जो अनवॉन्टेड चीज़ है वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे काम किया तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। इसके बाद आप एक बार थोड़ा सा टचअप दे दो आप यहाँ पे, देखो तो आप यहाँ से आप मैनेज करके दोगे दे देंगे। देखो यहाँ पे ये काइंड ऑफ यहाँ से मैंने ये दे दिया, कहीं कहीं लगे सेगमेंट्स कम हो तो आप सेगमेंट्स के यहाँ डिवीजन दे सकते हो आप यहाँ पे। फिर ये देखो यहाँ पे अब ये आप ये हाईलाइट आप करके दे सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे ब्लेंड एंड देन में ये मैंने स्मूथ कर दिया देखो। तो ये तो ऐसा टिप्स है कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे, जिन टिप्स को आप समझ सकते हो ठीक है, मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी देखो यहाँ से अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो मेरे सब चीज़ें ऐसी हैं कि मैं इनको थोड़ा सा इधर दे रहा हूँ, देखो मैं ये लाइन ऐसे कट होकर जा रही है, ये लाइन में बस ऐसा आ रहा, तो कोई भी सिमेट्रिकल शेप नहीं है। ये आपको आइडिया मिल रहा होगा ठीक है। हमने यहाँ पे जो भी ड्रॉ किया है तो यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं दिखा दूँ, मेरे पास ऐसा शेप मुझे नज़र आ रहा है। फिर इसके कुछ कुछ माइक्रो डिटेल्स वाले भी होंगे, छोटे छोटे जो डिटेल्स होंगे जैसे यहाँ पर, जैसे कोई यहाँ पे विजुअल नहीं है तो मैंने ये हल्का फुल्का यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, लाइक लिटिल बिट तो बहुत चीज़ों को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ ताकि वो दिखे वो के अंदर ये हल्की फुल्की जो डिटेलिंग्स होती है ना वो थोड़ा सा और बेटर इम्पैक्ट दे रहा होता है आपके यहाँ पे। तो हल्का हल्का लाइटली आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को अगर मैनेज कर दोगे तो बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। गॉट इट, ये देखो छोटे छोटे जो डिटेल्स हैं ये अगर आप ऐड ऑन कर दो, देख रहे अभी ये काइंड ऑफ ये मैंने ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, तो और बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। कंट्रोल डी कर दो एक बार डिवीजन लगे तो मैनेज कर सकते हम लोग यहाँ पे। तो क्या डिटेल्स हैं कैसी चीज़ें, तो क्या पीछे का देख रहे हैं लाइन कुछ ऐसे नज़र आ रही है यहाँ पे। अब यहाँ से अगर मैं देखो मुझे लाइन कैसे नज़र आ रही है, ये काइंड ऑफ ये देख रहे हैं ये काइंड ऑफ यहाँ पे ऐसे जा रहा है, और यहाँ से मैं मुझे यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे कुछ 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 चीज़ें ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जहाँ पे मैं चीज़ों को मैं ऐसे दे सकता हूँ यहाँ पे। फिर तो बहुत ये ऐसे मैं रफली एक बार यहाँ पे मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। वुड की स्कल्प्टिंग के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप जब भी आप काम कर रहे हैं देखो आपको यहाँ पे चीज़ कैसे नज़र आ रही है यहाँ पे। तो ये स्कल्प्टिंग से आने वाला टेक्सचर में ये मैच नहीं करेगा, तो स्कल्प्टिंग में आप मैच करोगे तो काम हो जाएगा आपके यहाँ पे। हाँ अगर आपको काम स्लो काम करना था तो सब्सटेंस से भी काम हो जाता है, आपको जीरो बेस्ट लाने की नीड नहीं है। छोटे मोटे स्टूडियो यहाँ पे लगता है कि अभी मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो मैं चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है अभी मैंने इस पर दे रखा था, अभी मैं यहाँ पे गया तो यहाँ पे मैं स्विच कर दिया यहाँ पे, देख रहा है इसको भी मैं ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे कैसा क्या दिख रहा है यहाँ पे, किधर से क्या मोटा क्या पतला, एंड देन यूआई पे मैं गया सिंपल ठीक है। अब मैं दोस्तों मैं मैनेज करने वाला तो मैं मैनेज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या देखो एक्स तो ऑफ कर दो आप यहाँ पे, ये दोस्तों इधर से मुझे लग रहा है बड़ा लग रहा है ठीक है पॉसिबल एंगल वाइज। मैं तो ऐसा यहाँ पे मैं देखना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है भाई, तो ऐसा ये पार्ट मैंने यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अब ये देखा है तो गैप के यहाँ पे तो ऐसा गैप में ऐसा कुछ है, तो हमने यहाँ पे प्लेसमेंट तो दे रखा है, बाकी इसके अंदर मैं तो ऐसा मैं क्या दे सकता हूँ यहाँ पे। तो डिस्कल्पिंग हम लोग कर सकते हैं, वो डिस्कल्पिंग कॉमन सी चीज़ क्या थी कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी काम कर देते तो हम लोग यहाँ पे जैसे ट्रिम डायनेमिक हो गया एच पॉलिश हो गया, तो हम लोग कॉर्नर तो ब्रेक कर ही देते थे है ना। ये छोटा सा पार्ट था जो हम लोग हर एक चीज़ में कर देते थे, तो सेफ टाइम क्लिक कर दिया मैंने फटाफट से यहाँ पे। मैं जैसे है देखो वो डिस्कल्पिंग देखा, ये हम लोग नॉर्मली कर देते हैं यहाँ पे ताकि वो सिंपल सा पार्ट नहीं आ रहा है। सेफ टाइप देखो यहाँ पे, देखा भाई मैंने चटनी में से कर रखा है यहाँ पे, तो अगर मुझे यहाँ पे काम करना है ट्रिम डायनेमिक से अगर मैं काम करता हूँ, देखा ये थोड़ा सा पार्ट में यहाँ पे थोड़ा
तो ब्रेक कर देता है पे, तो मेरे पास सब चीज़ तो ऐसा बैटर दिखेगा आप यहाँ पे, तो नीट एंड क्लीन नहीं होगा। जैसा सेप होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना पड़ेगा, चाहे एच पॉली से करो चाहे ऐसे करो, आप किस में कंफर्टेबल है आप देखो। तो थोड़ा सा कॉर्नर ब्रेक कर दोगे तो बेटर, कॉर्नर वाला पार्ट आपका ऑटोमेटिक बेटर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक आप टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, जहाँ लगे कि नहीं मुझे कॉर्नर ब्रेक नहीं करना, मैं सिंपल सिंपल बेसिक सा शेप में ही मैं रहना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिंपल लाइनें ड्रॉ कर देनी है, तो मेरा काम यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सपोर्टिंग एज होने के बाद ये आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको ब्रेक करने में देखो। तो एंगल आप चेक कर लेना, क्या एंगल चेक करोगे तो चीज़ों को मैनेज कर सकते हम लोग यहाँ पे। ऐसा है, हम लोग ऐसे करके मैं मैनेज कर देता हूँ, मेरे पास आप काम। अरे आपको तो उसे मैनेज कर सकते हो। हाँ अगर लगे कि इसको लाइनें समझ में नहीं आए, जैसे मुझे यहाँ पे लाइनें ड्रॉ करनी है, देखो यहाँ पे जैसे मैं सेट कर यहाँ पे देखो, फिर से लाइट दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा। लाइट को क्या कर सकते हैं, कहाँ गए लाइट, लाइट पे गया, यहाँ पर मैंने तो इसको मैंने चेंज किया, हो रहा है चेंज अभी यहाँ पे देख रहे हैं। तो ऐसे करके आप चेंज करके मैनेज कर सकते हो। आपको यहाँ पे चीज और बेटर दिखेगा, आप यहाँ पे काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके। इतना ही दिखना, इसके बाद नहीं दिखना यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ, जैसे मैं शिफ्ट एंड क्लिक कर दिया यहाँ पे फोकस, अगर मुझे सब में ही अगर ऐसी चीज़ को मैनेज करना है तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ यहाँ पॉसिबल। शिफ्ट एंड क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ पर लाइट मुझे नज़र नहीं आ रही, तो मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे चेंज किया, आ रहा है यहाँ पे, तो चेंज करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सेगमेंट्स को मैंने थोड़ा सा अप एंड डाउन, मतलब जो मैंने जेड डिमेसर किया ना दुकान, शिफ्ट एंड स्मूथ का तो भी बैलेंस हो जाएगा आपका, लगे आपका सब चीज़ ब्रेक नहीं हो रही, शिफ्ट एंड स्मूथ करके थोड़ा सा मैनेज कर तो भी काम हो जाएगा आपके यहाँ पे, क्योंकि मैंने जेड डिमेसर कर रखा है। इसके पैरेलल पार्ट को देखना जरूर, क्योंकि उसमें मैंने बहुत बेसिक सी चीज़ें मैंने बता रखी यहाँ पे। कर सकते हम लोग यहाँ पे, तो लाइक ये मैंने थोड़ा सा पार्ट किया, मैं थोड़ा सा रफली आप चीज़ों को मैनेज कर दोगे तो भी आपके यहाँ पे काम हो जाएगा आपके यहाँ पे। तो जस्ट ये देखो बेसिक शेप आपका थोड़ा सा अलग से दिख जाएगा आपके यहाँ पे, नीचे की तरफ नहीं कर रहा हूँ, नीचे की तरफ दिखाना तो ऐसा नहीं है, लेकिन आप करना चाहो तो यहाँ पे कर दो, ठीक है। हल्का सा स्मूथ भी कर दो, देन थोड़ा सा स्कल्पिंग भी कर दो तो भी काम आपका हो जाएगा, जितना दिखना उतने पे हम लोग काम करते हैं। लेकिन हाँ बाई चांस कभी कैमरा एंगल इधर से उधर गया, फिर कहो कि हमने यहाँ पे काम नहीं किया तो भी दिक्कत हो जाएगी, तो कर ही लो तो बहुत। मैंने शिफ्ट एंड स्मूथ भी कर दिया यहाँ पे तो भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखें यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे है दिस वन। शिफ्ट एंड क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज कर सकता हूँ बेसिक शेप को, अगर आप चाहो तो। देखो दिख रहे हैं सेगमेंट्स, देखो ये स्मूथ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉइंटेड और वो नहीं होना चाहिए, तो पहले स्मूथ कर लो आप यहाँ पे। क्या देखना, अगर जैसे मैंने मॉडलिंग का किया, आपने कोई पार्ट छोड़ दिया उसमें, तो ये सेगमेंट इतना स्मूथ नहीं आएगा जब तक आप इसे मैनेज नहीं करोगे। सेगमेंट्स का होना ज़रूरी है, शिफ्ट टाइप देखो सेगमेंट इतने हैं, जेड डिमेसर किया है मैंने इसे, ठीक है। तो जो भी लोग लाइक जेड डिमेसर नहीं कर रहे होते ना, फिर कहीं इतना सेगमेंट्स कहाँ से लेके आए, तो फंस जाओगे आप यहाँ पे। तो सेगमेंट्स हो, देन उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ को तो भी आपका काम हो जाएगा, तो इस जगह पर आप स्मूथ के साथ भी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। स्विफ्ट एंड स्मूथ ये आपने मैनेज कर दिया यहाँ पे, इसके बाद आप ब्रेक कर लो इसे। ये मान के चलो जब आप स्कल्पिंग के लिए तो आपके यहाँ पर कई चीज़ों को तो मैनेज करना ही पड़ेगा आपके यहाँ पे। देन यहाँ पे करो आप यहाँ पे सिंपल, आपको क्या करना है ट्रिम डायनेमिक हो गया, आप यहाँ पे तोड़ना स्टार्ट कर दे, अभी टूटेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अभी ये आप ऐसे कर सकते हो आप यहाँ पे, तो अगर आप ऐसे चीज़ों को मैनेज करो तो बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। तो अगर आप ऐसे अगर स्कल्पिंग कर दो तो आपका इम्पैक्ट और बेटर दिखेगा, तो सिर्फ स्मूथ पर छोड़ दोगे तो थोड़ी कम सैलरी मिलेगी, ठीक है। जितना आप काम करोगे उतनी अच्छी सैलरी मिलेगी, या तो सिलेक्शन या तो रिजेक्शन ये भी रहता है। तो मान के चलो जॉब पर्पज़ में अगर आप फ्रीलांस भी काम करते हो, उसमें भी ये क्वालिटी देख रहे होते हैं आप, कहीं पे अगर अच्छे स्टूडियो में जाते हो ना, और जैसे आप या फ्रीलांस भी काम कर रहे हो, तो वहाँ पे ये देखते हैं कि भाई सामने वाला पर्सन वो क्या क्या करता है, लाइक वो डिस्कल्टिंग में ये चीज़ को मैनेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है यहाँ पे। हाँ ये टाइम टेकन जाए, और ये क्वालिटी वाली चीज़ें ही समझ में आने वाली, क्वालिटी वाले लोगों को, हाँ जो उनको लगता है बजट कम है, जो काम नहीं करने वाले, उनके लिए स्मूथ भी काम कर जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ आपके लिए डिपेंड करते हैं दुकान पर।
स्कल्पटिंग करोगे तो ऐसा मैनेज हो जाएगा। अभी सोचो ये पार्ट हमने कर दिया ऑलमोस्ट, इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग स्विच करेंगे। मेन्यू का हम लोगों ने टेक्स्चर बोला था आ गया, तो फिर उसको भी देख लेंगे। तो इसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर मेन्यू वाला पार्ट भी हम लोग मैनेज कर लेंगे। देखो आ रहा है, मज़ेदार, बहुत अच्छा लगता है अगर आप स्कल्पटिंग करते हो ना, जीवस में स्कल्पटिंग करोगे आपको बहुत मज़ा आएगा। तो लाइक ऐसे चीज़ों को मैनेज करके दे सकते हो। आप यहाँ पर लग रहा है अभी बिल्कुल बॉक्स नहीं लग रहा है, दूर से देखो यहाँ पर लाइटिंग साथ आपको मज़ा आ रहा है कि यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करें। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप चीज़ों को मैनेज करोगे। अब यहाँ पे अगर मैं किसी चीज़ों को देख लेता हूँ, यहाँ पे देखो दूर से लाइट का जब स्पेक्टर जब चेंज हो रहा है ना, इट मीन शॉर्ट कि आपने इसे मेहनत की है। ठीक है, जहाँ आपने मेहनत नहीं की वो भी आपको दिखेगा आपके यहाँ पे। ठीक है, और आई सजेस्ट कि अगर आप पेन टेबलेट से करो तो फटाफट से हो जाएगा। बाद में मत कहना सर आपका बड़ा फास्ट हो जाता है, मेरा बड़ा स्लो होता है। अगर आप माउस यूज़ कर रहे हो तो फिर फंस जाओगे, मतलब टाइम टेकन है, ऐसे नहीं नहीं होगा उससे, लेकिन टाइम टेकन है। तो अभी आपका सिलेक्शन करना है आप माउस से करने वाले या कैसे, फिर दूसरा पेन टेबलेट पर हाथ भी सेट करने में टाइम लगता है। अभी कई स्टूडेंट्स की मेरे पास कंप्लेन आते हैं सर आप तो फटाफट कर देते हो, मेरे से नहीं हो रहा होता है। तो मैंने कहा ठीक है, अब एक्सपीरियंस भी ले आओ, पेन टेबलेट जैसे कह सकते हो वैसे एक्सपीरियंस भी ले आओ तो मिल जाएगा। तो एक्सपीरियंस तो आपको मिलता नहीं ना मार्केट में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करो। जिया बोलती है मुझे मिलता है, नहीं मिलता ना, फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। लाइक सोचो हम लोग पेन से कैसे हम लोग स्केच कर रहे होते हैं, वैसे आपको स्केच करना है आपके यहाँ पे। एक बार आपका हाथ सेट हो गया ना तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाना है यहाँ पे। याद रखो इसके अंदर जीबीएस के अंदर आप अगर मॉडल बनाते हो अच्छा अच्छा तो पैसे भी बहुत हैं। ठीक है, तो आई वॉन्ट कि थोड़ा सा आप इस पर थोड़ा सा वर्कआउट कर लो, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा तो हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा लाइनें तो मुझे बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं दिख रही यहाँ पे, लेकिन हाँ हम तो ऐसा ऐसा कुछ कर देते हैं यहाँ पे, तो ऐसा ऐसा कुछ मैनेज कर देते हैं। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक कर दिया यहाँ पे, जहाँ पर गए सिंपल टी फॉर डैम, डैम पे गए यहाँ पे। कुछ कुछ लाइनें जो प्रोमिनेंट जो मुझे दिख रही है, मुझे लाइनें कैसे नज़र आ रही है यहाँ पे। ठीक है, ये तो कोई स्कल्पिंग का तरीका होता है, जब आप स्कल्प कर रहे थे ना इसके कई ब्रशेज भी होते हैं यहाँ पे। एक यहाँ पे ज़्यादा करो, फिर यहाँ से ऐसे मैनेज कर दो आप, यहाँ पे लाइट कर दो। ठीक है, टिपिक मेथड होता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं, एक लाइन यहाँ पे दिख रही है, एक लाइन में यहाँ पे तो ऐसा जस्ट मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे, इससे हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे। इतना ही दिखना, से ज़्यादा नहीं दिखना है यहाँ पे। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ दिखना, अभी ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे एक लाइन दिया यहाँ पे, दोनों को सेम नहीं करना है। पता चला आपने सबको सेम ही कर दिया है तो फिर पता ही नहीं चला भाई इसमें किस में क्या होना है यहाँ पे। एक एक दो दो लाइनें जो मुझे दिख रही है यहाँ पे, यहाँ पे ज़्यादा मोटा यहाँ पे पतला करना है पे। ठीक है, देन यहाँ से मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर रहा हूँ, देख रहे हैं। तो जब आप काम करोगे आपको आइडिया मिल जाएगा, यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं करना मुझे, यहाँ पे सिमेट्रिकल करोगे तो फंस जाओगे आप यहाँ पे। तो आपको ऐसे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके देना भाई। यहाँ पे देखो एक दो लाइन तीन लाइन काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं टेक्सचरिंग करूँगा सब्सटेंस में तो मुझे माइक्रो डिटेल पर भी जाना है यहाँ पे। माइक्रो डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगा, जैसे सपोज यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक दो लाइन जैसे मैंने कहा ना यहाँ पे, अगर आपका ना काम करना चाहता तो ये देखो ये जस्ट काइंड ऑफ आपने ऐसे दिया यहाँ पे, देन आप यहाँ से ऐसे भी मैनेज करो तो आप कैसे यहाँ पे रफली आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपके यहाँ पे चीज़ें देखेंगे यहाँ पे कि मैं चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज कर दूँगा तो मेरे यहाँ पे लाइनें दिख रही होती हैं यहाँ पे। तो टाइम नहीं लग रहा होता है। अगर आपको टिप्स पता है, देखो टिप्स पता है तो आप यहाँ से ऐसे और ये और देन इधर से ऐसे करके मैनेज करके दे दोगे तो आपका आइडिया मिल जाएगा। देखो देखो यहाँ पे कुछ लाइनें यहाँ पे दिख जाएंगी, विजुअल होना चाहिए बस आप कैसे यहाँ पे। ठीक है, तो स्टाइलिश की ये प्लस पॉइंट होता है कि आप यहाँ पे जो मैनेज करो तो भी काम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, देखना यहाँ पे शिफ्ट एंड क्लिक कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ कर दी यहाँ पे हल्का फुल्का, ये मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। देन यहाँ से आप तो और लाइनों को इधर से अप एंड डाउन आप यहाँ पे मैनेज कर दो तो लाइक तो बहुत आपके स्कल्पिंग में बेसिक शेप आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। स्ट्रोक्स आपको मारना आना चाहिए यहाँ पे, कहाँ पे आपको स्ट्रोक्स देना है, एक बार ऊपर एक बार नीचे करके मैनेज कर दो तो काम हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, जस्ट काइंड ऑफ ये ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन ये अवॉइड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखना अभी अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ठीक है कर सकता हूँ हम लोग यहाँ पे, बस इससे काम आपका हो जाना है, इससे ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, इतने में आपका बेसिक स्कल्पिंग आपका ख़त्म हो जाएगा। तो जितना पैसा मिले उतना ही काम करना। ठीक है, जहाँ आपको लगता है कि इतना मुझे डिटेलिंग देना है तो मैं इतना दे सकता हूँ। और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हम लोग जो देखते हैं ना स्टूडियो वाले पे जा रहे हो तो हम कहीं जगह नहीं दिख रहा था तो हम लोग पे थोड़ा सा, जब आप जॉब के लिए आते हो तो थोड़ा ज़्यादा डिटेलिंग वाला काम करो। जॉब लग जाए तब मन लगा के काम करना कि करना है कि नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वो तुम पे डिपेंड करेगा। मेन चीज़ एक बार हैबिट बन गई ना तो फिर तो कुछ भी कर रहे हो। ठीक है भैया, देखो
हल्के फुल्के आप स्ट्रोक देते हो। अब यहाँ पे देखो दूर से देखो सब में लगेगा भाई क्या बढ़िया वुड स्कल्पिंग करके दे बैठे यहाँ पे। कहीं पे भी जाकर देखो आपको देखना है डिटेलिंग दिखनी चाहिए यहाँ पे। अगर आपको मैं बोलूँ यहाँ पे तो लाइक ऑलमोस्ट हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ों को फुलफिल कर दिया है। BPR होता है, BPR में रेंडर कर देते हो आपको यहाँ पे दिख रहा होता है भाई यहाँ पे डिटेलिंग में काम कर सकता हूँ। इतनी डिटेल में चीज़ों को मैनेज कर देते हैं फटाफट लगता है यार कि बहुत डिटेल में ज़्यादा काम किया। आप जाके देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा काम करने में। तो इतना भी आप काम कर दोगे तो आपका काम ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग ऐसे मैनेज कर देंगे। ओके, और चीज़ों को फुलफिल कर देंगे तो यहाँ तक हमारा वुड स्कल्पिंग खत्म हो जाता है। हाँ, किसी का इंटरेस्ट ज़्यादा है तो मैंने इससे भी ज़्यादा डिटेल में मैंने चैनल पर भी काम करा था, तो आप उसमें भी काम कर सकते हो। ठीक है,